सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज तुरंत पाने के लिए। उपस्थिति रजिस्टर की फोटो भेजने संबंधी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ का स्पष्टीकरण ज्ञापन। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोधपुर संभागीय आयुक्त द्वारा अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में डालने संबंधी जैसी प्रथा प्रारंभ की गई थी, इसके संबंध में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है स्पष्टीकरण संबंधी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपसे यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं किसी भी शिक्षक संघ का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए साथियों, यह है वो ज्ञापन जो राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा शासन उप सचिव प्रथम शिक्षा ग्रुप विभाग राजस्थान जयपुर को दिया गया है। विषय है उपस्थिति रजिस्टर की फोटो व्हाट्सएप ग्रुप में भेजने पर मार्गदर्शन बाबत। महोदय जी, निवेदन है कि शिक्षा विभाग की सहमति के बिना संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा उपस्थिति रजिस्टर की फोटो प्रतिदिन व्हाट्सएप ग्रुप में डालने की प्रथा प्रारंभ की गई है। संगठनों द्वारा इसके विरोध में मुख्यमंत्री कार्यालय को ज्ञापन भेजा गया। CMO के निर्देश पर आप द्वारा माध्यमिक शिक्षा निदेशक से वस्तु स्थिति मांगी गई। बीकानेर निदेशालय द्वारा पत्र दिनांक 4 जनवरी 2021 से अध्यापकों की उपस्थिति, शाला दर्पण से ऑनलाइन की स्थिति स्पष्ट कर आपसे उचित मार्गदर्शन मांगा गया है। संगठन का आग्रह है कि जल्द मार्गदर्शन दिलावें ताकि शिक्षकों को राहत मिल सके। साथ ही दोस्तों, इसके अंतर्गत कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान का एक आदेश भी है रजिस्टर पत्र के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत लिखा गया है अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर की फोटो ग्रुपों में प्रेषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में। यहां पे लिखा गया है कि ऊपरी विषय अंतर्गत निवेदन है प्रासंगिक पत्र के क्रम में कि आपके कार्यालय से प्राप्त प्राथमिक प्रासंगिक पत्र में अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर की फोटो ग्रुपों में प्रेषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने के संबंध में प्रकरण में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ था, जिसके क्रम में लेख है कि विद्यालय में शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक स्टाफ की नियमित उपस्थिति शाला दर्पण पर दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक कर्म शिविरा माध्यम शाला दर्पण दिनांक 15 जनवरी 2020 द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि तथा मॉड्यूल के संबंध में नवीन दिशा निर्देश भी पत्र क्रमांक 26/11/2020 द्वारा जारी किए गए हैं। विभिन्न कार्यालयों से के लॉगिन पर समस्त विद्यालयों व PO लॉगिन पर अधीनस्थ विद्यालयों के द्वारा दर्ज की गई उपस्थिति शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। तो साथियों, जैसे इसके संबंध में कोई मार्गदर्शन प्राप्त होता है आपको वीडियो जारी करके बता दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएँ एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।